नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जॉब अलर्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले अपडेट्स मिल सके। अगर चैनल पर पहले से जुड़े हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि एक सब्सक्रिप्शन नंबर होता है जो एक यूट्यूबर को मोटिवेशन एनकरेज का काम करता है। तो आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट लेके आए जी, हरियाणा सरकार के नए धमाके हैं। तो हर एक बुजुर्ग को जो सभी बेरोजगार युवा हैं उनको 10-10 हज़ार सीधे खाते में घर बैठे फ्री में मिलेगा। क्या है क्या नहीं पूरा प्रोसेस बताएंगे। कोई भी कैंडिडेट वीडियो स्किप ना करे। किसी ने भी कोई फैमिली आईडी में या लेबर कॉपी में चेंज करवाना है या नहीं बनवानी है तो आप कंसर्न हमसे कर सकते हो। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हो हरियाणा सरकार प्रदेश के 5,000 CET युवा को 3 महीने की ट्रेनिंग देकर IT युवा सक्षम योजना के तहत देगी रोजगार। यानी कि जो कैंडिडेट CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पास हैं HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, उनको 3 महीने की पहले IT ट्रेनिंग दी जाएगी। IT ट्रेनिंग के दौरान ही उनका सिलेक्शन होगा। अगर किसी का सिलेक्शन नहीं होता, रोजगार सरकार नहीं दे पाती, तो 10,000 रुपये उनको प्रति माह बेरोजगारी भत्ता उनके खाते में जमा सरकार द्वारा कर दिया जाएगा। इसमें शर्त क्या है और कंडीशंस क्या है यहाँ पर देख सकते हो। IT सक्षम युवा योजना के अंतर्गत पात्रता के मापदंड, फर्स्ट ऑफ ऑल कैंडिडेट हरियाणा निवासी होना चाहिए और 18 से 35 साल उसकी एज होनी चाहिए। और आयोजना के लिए आवेदन करते समय आवेदक किसी प्रकार के भी रोजगार पर जैसे सार्वजनिक, सरकारी, निजी क्षेत्र, अर्ध सरकारी या स्वरोजगार, यानी कि कोई भी प्राइवेट सरकारी कंपनी में एज ए वर्कर नहीं होना चाहिए। और आवेदक की किसी भी प्राप्त मान्यता संस्थानों से जैसे कॉलेज विश्वविद्यालयों से हो, BTech BA BSc IT के साथ होनी चाहिए, MA MTech MA MSc IT और MBA IT से होनी चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन जरूरी है। उम्मीदवार बेरोजगारी भत्ते के लिए तभी पात्र होंगे और उनकी जब उनकी फैमिली आईडी में इनकम 3 लाख से कम होगी। अगर 3 लाख से ज़्यादा है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। बेरोजगार भत्ता पाठ्यक्रम पूरा करने के मूल्यांकन परीक्षण हेतु उत्तीर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। 1 माह के बाद ही शुरू किया जाएगा और पंजीकरण के समय आपको 5,000 रुपये पहले देना होगा। अगर आपकी फैमिली आईडी में 3 लाख से कम सालाना इनकम है और आप जो क्वालिफिकेशन बताई है MTech BTech की वो नहीं, वो तो आप इसके लिए आपको नाममात्र शुल्क, नाममात्र मतलब जो आपका रिवर्स हो जाएगा, जो रोजगार मिलने पर आवेदक के बैंक खाते में पूरी की पूरी तरह वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप पाठ्यक्रम सफलता पूर्वक अवतीर्ण करते हैं ये होता है और रोजगार अगर मिल जाता तो भी, नहीं मिलता तो भी आपको 5,000 आपके खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा। कोर्स सफलतापूर्वक होने पर 5,000 शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ठीक है जी, ये लायबिलिटी कंडीशन है सरकार की। और यहाँ पर देख सकते हो बेरोजगारी भत्ता 1 साल तक 3 लाख रुपए से कम वाले आय वालों को ही मिलेगा। इसमें वही चीज़ आपको बता दी है। ठीक है जी, यहाँ पर और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। स्टार्टअप की बात करें, स्टार्टअप में मदद करने के लिए मार्गदर्शन, कार्यशील पूंजी, ब्याज मुफ्त ऋण आदि के पात्र होंगे। और रोजगार मिलने पर पहले 6 महीने 20,000 और 7वें महीने 25,000 आपका पारिश्रमिक मिलेगा, यानी कि आपको सैलरी मिलेगी। अगर बेरोजगार रहते हो तो 10,000 आपको महीना, यह सब 1 साल तक के लिए होगा और यह भत्ता 3 लाख रुपए तक की वार्षिक पारिवारिक आय वालों युवाओं को ही मिलेगा। बेरोजगारी भत्ता केवल पाठ्यक्रम पूरा करने के मूल्यांकन परीक्षण के लिए उत्तीर्ण प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से 1 महीने बाद शुरू किया जाएगा। भत्ता अधिकतम 1 साल की अवधि के लिए रहेगा। यानी कि ये जो आपको प्रोसेस बताया है ये प्रोसेस आपका सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए रहेगा। जो कैंडिडेट सेलेक्ट हैं उनको IT कोर्स 3 महीने का करना पड़ेगा। अगर IT कोर्स करते ही आपका सिलेक्शन हो जाता है दैट्स गुड, तो आपकी पहले 6 महीने 20,000 फिर 25,000 आपकी नेक्स्ट 6 महीने इनकम रहने वाली है। अदरवाइज आप नहीं भी लगते तो भी आपको 10,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता आपका आपके अकाउंट में क्रेडिट
कर दिया जाएगा, बट शर्त यही है भी आपकी इनकम फैमिली की 3 लाख रुपए से कम होनी जरूरी है, और आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड कंपनी में या कहीं पर भी वर्कर नहीं होने चाहिए। अगर कहीं पर लगे हुए तो भी आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। सीटी पास होना चाहिए, बीटेक एमटेक की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, 18 से 35 साल एज मांगी हुई है, ठीक है, किसी भी संस्थान में कार्यरत नहीं होना चाहिए, और 5,000 नाममात्र शुल्क लगेगा, जो कि आपका 3 महीने का कोर्स पूरा होते ही आपके खाते में अगर रोजगार मिल गया ठीक है, नहीं तो ये 5,000 भी मिलेंगे और आपको 10,000 आपकी मंथली इनकम एज ए गवर्नमेंट पे करेगी, आपको देगी, यानी कि 10,000 आपके खाते में बेरोजगारी भत्ते के तौर पर 1 साल के लिए आएगा जी, सिर्फ 1 साल, 1 साल के बाद नहीं, सिर्फ 1 साल की बात हो रही है, जहाँ पर क्लियरेंस में देख सकते हो। उम्मीद करते हैं ये अपडेट आपके लिए बहुत बड़ी रही है। इसी तरह की अगर और भी बिग अपडेट्स पाना चाहते हो, चैनल पर नए हो, तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि आपको सबसे पहले अपडेट्स मिल सके। चैनल पर पहले से जुड़े हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।